अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बुधवार को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस मौके पर जगह जगह लोगों ने रघु शर्मा और झुनझुनवाला का भव्य स्वागत भी किया। जनसंपर्क के दौरान नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। विधानसभा चुनाव में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, उसे सरकार बनते ही पूरा किया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस के प्रति शानदार माहौल है। रिजु झुनझुनवाला ने कहा कि वे अजमेर को इंडस्ट्री हब बनाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। शानदार वातावरण है पूरे अजमेर संसदीय क्षेत्र में। आज कम से कम 16 पंचायतों में हमारा दौरा रहा। सुबह से जिस तरह से 36 कौम के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रिजु झुनझुनवाला जी को, मुझे पूरा भरोसा है कि अजमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी शानदार बहुमत से जीत दर्ज करेगी। जीत की वजह हम सिर्फ दो ही मात चीज को जनता के बीच में जाके लेके जा रहे हैं, और 8 दिन 9 दिन से हम घूम रहे हैं और जनता के बीच सिर्फ दो ही संदेश लेके जा रहे हैं कि कैसे अजमेर की प्रगति और विकास हो और कैसे युवा को और रोजगार मिले। ये दो चीज पे ही, और अजमेर में कैसे औद्योगिक क्रांति आए, इन तीनों के अलावा कोई और चौथा मुद्दा नहीं है मेरे लिए। और इसको अगर हमने जनता तक पहुँचा दिया तो मेरे को पूरा भरोसा है कि जनता